नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप लोगों का हमारी किचन में। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं अमृतसरी पिंडी छोले। इतने जबरदस्त कि आप खाएंगे तो बस याद ही करते रह जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है और किन चीजों की जरूरत है। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो इतना ही पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना। छोटी सी घंटी आइकन होती है उसको भी टन टन जरूर बजा दिया करें ताकि आपके फोन पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके कि आपकी ईशा कुछ बेहतरीन सा आप लोगों के लिए नई चीज लेकर आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो इन बढ़िया से स्वादिष्ट छोलों को बनाने के लिए मैंने रात को छोलों को पानी में भिगोकर रख दिया था जिससे कि वो अच्छे से फूल जाएं और जल्दी गल जाएं। अब मैं इनको कुकर में डाल लूंगी और इनको उबालने के लिए जितना पानी चाहिए वो इसमें मैं ऐड कर लूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास पानी ऐड किया है। साथ में मैं इसमें डालूंगी दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, छोटी इलायची और साथ में चाय पत्ती की पोटली। मैंने चाय पत्ती को इस छोटी सी पोटली में बांध दिया है जिससे कि उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आप इस तरह से इसको कुकर में डालकर अब हम इसको दिलाने वाले हैं सीटियाँ। तो चलिए मैं इसको अब गैस पे चढ़ा देती हूँ। साथ में इसको बांधने से पहले आप इसमें डाल दीजिए चुटकी भर बेकिंग पाउडर। तो अब कुकर का लिड लगाकर मैं इसको उबालने के लिए रख देती हूँ और तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे चूल्हे पर। और जब तक छोले बॉईल हो रहे हैं तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड ले सकते हैं। सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही करारी और बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो तेल जैसे ही आपका गर्म होने लगे उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए जिससे कि तेल की जो महक होती है वो खाने में नहीं आती। तो आप देख सकते हैं तेल गर्म हो रहा है। आप चाहें तो नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, आप ना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 प्याजों को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है तो अब मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। साथ में मैंने इसमें डाला है लहसुन, तो आप चाहें तो लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं 4 टमाटर की प्यूरी ऐड कर लूंगी और साथ में इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच हल्दी। अब इसको अच्छे से पकने दूंगी। जैसे तड़का अच्छे से पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं तड़का बहुत बढ़िया बन रहा है। तो अब मैं इसको ढककर रख दूंगी क्योंकि खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। 5 से 10 मिनट के लिए आप ढककर रख दीजिए। तब तक हमने छोले खोल के देखते हैं। तो छोले देखिए बिल्कुल प्रॉपर गल चुके हैं और प्रॉपर फूल चुके हैं। अब अपनी कढ़ाई में हम छोले ऐड कर देंगे पानी निकालकर। खाली छोले आप ऐड कर दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। जो हमारा छोले वाला पानी था वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। छोले आपके धीरे धीरे बॉइल्ड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं छोले बहुत बढ़िया तरीके से बॉइल्ड हो चुके हैं। अब इसमें हम लगाने वाले हैं ऊपर से तड़का, जिसके लिए छोटा सा पैन लेना है और आप इसमें डालना है देसी घी। देसी घी आप रिफाइंड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप डाल दीजिए जीरा और अब गैस बंद कर दीजिए। अब देख सकते हैं जीरा प्रॉपर ब्राउन हो चुका है। गैस बंद कर अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, देगी मिर्च और साथ में रेड चिली पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखेगा कि जब आप ये मसाले डालें तो तुरंत गैस बंद कर दें, नहीं तो वो आपके गले और नाक में चढ़ जाएंगे। और ऊपर से इसका तड़का लगा दें इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त लग रहे हैं और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो इन स्वादिष्ट अमृतसरी पिंडी छोले का तरीका आपको बनाने का कैसा लगा? आप भी इसको ट्राई करें। हरी मिर्च और धनिया के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। इसका स्वाद भी बढ़ेगा और देखने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे। तो आप में से किसको ये रेसिपी पसंद आई तो फटाफट से कमेंट करना। आई होप कि आपको मेरी सारी वीडियो ऐसी ही पसंद आती रहे। हमेशा मैं आपके लिए कुछ नया और आसान लाती रहूंगी और ऐसी आपका हमेशा स्वाद बनाए रखूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और स्वादिष्ट जबरदस्त रेसिपी के साथ। बाय।